गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स सही होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। हमारा टॉपिक वॉइस चल रहा है। पिछले वाले वीडियो में हमने वॉइस को आपके सामने डिस्क्राइब किया, उसकी सामान्य आपको डेफिनेशन सिखाई और हमने बताया कि वॉइस दो प्रकार की हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, दोनों को हमने डिस्क्राइब किया। आज हम फिर एक बार फिर वॉइस को लेकर आए हैं। वॉइस हमारा कंटिन्यू है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये करना है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सामान्य कंडीशन क्या होनी चाहिए, हम कब एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, इसमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन नंबर 1 दी गई है। हम बात कर रहे हैं आज वो कंडीशन जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें ध्यान रखनी है। कंडीशन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं अच्छी तरह कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन एलिमेंट पर विशेष तौर पर काम करना पड़ता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कंडीशन है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी ट्रांसिटिव वर्ब। यानी जब हम एक सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उस सेंटेंस में यूज होने वाली जो वर्ब है वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए। अब आपके सामने ये प्रश्न उठेगा कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, तो हम आपको डिफाइन करवा रहे हैं कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है, अ ट्रांसिटिव वर्ब एक्सेप्ट वन आर मोर ऑब्जेक्ट्स। यानी एक सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब वही होती है जो अपने साथ एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती है। यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा वो वर्ब आपकी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। तो ये साफ जाहिर होता है कि जो एक्टिव वाइज सेंटेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं उसमें ट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो हम उसका पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। चलिए आगे लिखता है कि व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब हम ये पहचानेंगे कि एक सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है, किसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसमें साफ जाहिर है कि जब एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है तो वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। देन द यूज्ड वर्ब इज ट्रांसिटिव वर्ब। एग्जांपल देखिए, आई राइट अ लेटर। इस सेंटेंस में आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट आई है और वर्ब जो एक्शन हो रहा है वो राइटिंग का हो रहा है। इस राइटिंग से कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, अ लेटर। तो हमारा जो अफेक्टेड पार्ट है वो लेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब राइटर ने राइटिंग का एक्शन किया तो इससे अ लेटर वाला पार्ट अफेक्ट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब जो राइटिंग का काम कर रही है वो हमारी फिनिट वर्ब है जिसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और ये ट्रांसिटिव वर्ब होने के बाद ही आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस बन सकता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या ध्यान रखें, देखिए सेंटेंस को मैं किस तरह ट्रांसफर कर रहा हूँ। सेंटेंस है आई राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस बनाई गई, ए लेटर इज रिटन बाई मी। इसमें आपने देखा कि जो लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया और हमने वर्ब इज लगाई, थर्ड फॉर्म हमने रिटर्न लिखी और हमने बाई प्रीपोजिशन लगाते हुए आई को मी में चेंज कर दिया। इस तरह से जो आज हमने डिस्कस किया है वो ये है कि अगर हमारी वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है तो ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, नहीं तो पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। कहता व्हेन द वर्ब इज इंट्रांसिटिव वर्ब देन पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। जब हमारे
सेंटेंस में वर्ब इंट्रासिटिव वर्ब होगी तो पैसे वाइज हम नहीं बना सकते। कल वाले वीडियो में हम यही जिक्र करेंगे कि एक इंट्रासिटिव वर्ब का पैसे वाइज क्यों नहीं बन सकता और ट्रांसिटिव वर्ब से पैसे वाइज इजीली कैसे बन सकता है। तो आप बने रहिएगा हमारे अगले वीडियो के लिए, तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।